नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जयपुर रेंज आईजी दत्ता पहुंचे अलवर, बाबा मोहन राम मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। यातायात पुलिस और आरटीओ टीम ने वाहन चालकों के काटे चालान, यातायात नियमों की पालना की दी नसीहत। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम, कहा पिछले दो वर्ष से वार्ड नंबर 26 में है पेयजल संकट। पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों ने कॉलेज को करौली शिफ्ट करने का किया विरोध, नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कस्बा लावड़ा में बीएसएनएल की तरफ से हाई स्पीड इंटरनेट ओएलटी का शुभारंभ अलवर के उप महाप्रबंधक आरसी मीना ने किया। उन्होंने बताया कि शुरू की गई हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ अलावड़ा, मिलकपुर, चौमा, टीकरी, ललावंडी ग्राम पंचायतों के लोगों को मिल सकेगा। विभाग इन सभी ग्राम पंचायतों में फाइबर लाइन बिछाकर क्षेत्र के लोगों को लाभ देगा। शीघ्र ही रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायतों में साइबर लाइन बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। अलावड़ा के 5 सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क कनेक्शन कर दिए गए हैं, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा और ओटीटी का लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी बीएसएनएल को दी है। मीना ने बताया कि ओएलटी कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से मॉडम और इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत, किसान सेवा केंद्र, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, आंगनवाड़ी कार्यालय सहित 5 सरकारी कार्यालयों में भी कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ लिया जा सके। इस हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के उद्घाटन अवसर पर पीईओ सतपाल सिंह, ग्राम पंचायत स्टाफ अलवर के उप महाप्रबंधक आरसी मीना, रामगढ़ के कनिष्ठ अभियंता सावंत सिंह, ब्लॉक चैनल पार्टनर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने गुरुवार को भिवाड़ी का दौरा किया। आईजी के दौरे का मुख्य उद्देश्य भिवाड़ी में होली पर लगने वाले बाबा मोहन राम लक्खी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। साथ ही क्षेत्र में घटित हो रहे क्राइम पर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। आईजी ने भिवाड़ी पहुंचते ही काली खोली धाम बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन किए और वहां पर भिवाड़ी पुलिस प्रशासन के द्वारा लक्खी मेले में दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। दोपहर को आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने एसपी कार्यालय में स्थित सभागार में एसपी सहित सभी अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिससे क्षेत्र में हो रहे साइबर क्राइम, लूट, ठगी सहित अनेक तरह के क्राइम पर अंकुश लगाने के दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही थानों में बढ़ रही प्रेडेंसी को भी कम करने के आदेश दिए गए। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने बताया कि इस बार बाबा मोहन राम के लक्खी मेले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे काफी सुधार होने की संभावना है। इससे मेले के दौरान अपने माता पिता से बिछड़ने वाले बच्चों के लिए एक अलग से पुलिस कॉर्नर बनाया जाएगा। साथ ही सिविल ड्रेस में जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहेंगे। मंदिर के आसपास धर्मशाला का वेरिफिकेशन किया जाएगा। धर्मशाला में रुकने वाले प्रत्येक यात्री का बायोडेटा रजिस्टर में संधारण करवाया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके अलावा भी सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना का तुरंत पता लगाकर उस पर कार्रवाई की जा सके। हथियार दिखाकर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो या वीडियो वायरल करने वाले बदमाशों पर आईजी ने कहा कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया हुआ है और ऐसे किसी भी बदमाश को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस के अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास के स्लोगन को पूरी तरह से चरितार्थ किया जाएगा। भिवाड़ी सहित पूरे क्षेत्र में अब तक ऐसे 12 बदमाशों को चिन्हित कर पुलिस अपने शिकंजे में ले चुकी है और आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। भिवाड़ी में गत दिनों में गायब हुए दर्जन भर से ज्यादा बच्चों के मामले में कहा गया कि पूरे प्रदेश भर में भिवाड़ी पुलिस गायब हुए बच्चों को ढूंढने के मामले में नंबर एक पर है। साथ ही गत 4 महीने पहले भिवाड़ी से गायब हुई 15 वर्षीय बच्ची श्रुति के मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश करने के आदेश भी दिए गए हैं। आईजी के सामने आम लोगों ने भी अपनी फरियाद रखी और लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को उनके निराकरण के आदेश दिए। दो मुख्य बिंदु थे आज के दौरे के, एक तो बाबा मोहन राम जी का जो मेला है उसकी व्यवस्थाओं को देखना, उसके ताकि सभी पहलुओं को, सुरक्षा के पहलू को व सुचारू संचालन के बारे में
सभी से चर्चा करके उसको देखना, ये एक पहलू था। दूसरा था यहाँ की क्राइम को रिव्यू करना, जिसमें सभी थानाधिकारी, वृत्त अधिकारी और रीजनल एसपी साहब व नव पद स्थापित एसपी साहब से इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उसमें मुख्य बिंदु ये था कि इस इलाके में और प्रभावी और कारगर पुलिसिंग के लिए क्या कदम उठाए जाएं, ताकि जितने भी अपराधी एलिमेंट हैं उनके ऊपर कारगर कार्रवाई हो। जैर तफ्तीश जो मुकदमे हैं और जो न्यायालय में पेंडिंग हैं, खासकर जो हार्डकोरों से जुड़े हुए और अन्य जो मुकदमे हैं, उनमें एक बड़ा सटीक कार्रवाई का इरादा रखा जा सके। और साथ में फायर आर्म्स, जहां हथियारों का प्रयोग करने या हथियारों के प्रयोग करने की चेष्टा भी की जा रही है, उसमें बेहद सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, उसके लिए सारी चर्चा हुई। और साथ में जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अगर किसी में प्रवृत्ति है उसमें किसी तरह का महिमा मंडन करने की, उसकी कार्रवाई को रिव्यू किया गया और आइंदा के लिए बेहद उसमें सख्त कार्रवाई करने के इरादे को जाहिर करते हुए निर्देश दिए गए। सर, मेले में हर बार पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जहर खुरानी और चैन स्नेचिंग जैसी बहुत सी वारदातें सामने आती है, तो इसके लिए कोई कारगर उपाय अपनाने को प्लानिंग करें? निश्चित तौर पे उसमें जो पुलिस और प्रशासनिक जो इंतजाम हैं वो तो सारे किए ही जा रहे हैं, इंक्लूडिंग अब की बार जो ड्रोन की डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही में मैं आप सब साथियों के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा सभी श्रद्धालुओं से कि वो भी इस बारे में आगाह रहें, अपनी सुरक्षा के लिए कृपया किसी भी जो व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं उनसे कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण ना करें। अधिकृत मंदिर में जो परिसर है उसी से ही खाना पदार्थ वगैरह लें। और दूसरा, अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति, इस तरह की कोई भी सूचना आपके ध्यान में आती है तो उसको निकटतम पुलिस अधिकारी से शेयर करें। तो सर, ऐसा कुछ अभी पुलिस के द्वारा या मंदिर कमेटी के द्वारा कोई अधिकृत कोई पॉइंट चिन्हित किए गए हैं या नहीं? एब्सोल्युटली, देखिए वहाँ पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको अगर आप मौके पर जाकर देखें, जहाँ पर कि कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लोकेट किया गया है और साथ में ओपन इलाके भी रखे गए हैं। सिमिलरली इस बार फैसिलिटी देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई बच्चे जो बिछड़ जाते हैं उनको भी एक जगह पर रखा जा सके, ताकि पेरेंट्स अगर उनको ढूंढ रहे हैं या कोई इस तरीके की, उनकी भी व्यवस्थाएं। और साथ फैसिलिटी देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई बच्चे जो बिछड़ जाते हैं उनको भी एक जगह पर रखा जा सके, ताकि पेरेंट्स अगर उनको ढूंढ रहे हैं या कोई इस तरीके की, उनकी भी व्यवस्थाएं। और साथ में इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को भी पुख्ता किया जा रहा है, ताकि लोगों को अगर कोई बात कहनी है और उनको उनके बारे में कन्वे करना है तो उस बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ों को इंतजामात में सम्मिलित किया गया है। सर, मेले में बिछड़े हुए बच्चों को तो ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो आम दिनों में बच्चे भिवाड़ी से गायब हो रहे हैं, इवन महिलाएँ भी कुछ गायब हुई हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया सर। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि भिवाड़ी एक ज़िला है जिसमें इस परिप्रेक्ष्य में बेहद अच्छी कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों में अगर आप रिव्यू करें तो काफ़ी सारे जो एक अभियान के रूप में चलाते हुए वो बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स अभिभावकों से बिछुड़ गए थे, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपके सभी अधिकारियों ने सम्मिलित होकर की है और उसको और भी आगे लेके जाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सारी की सारी टीम, मैं इनको देखता रहा हूँ, उसमें उन्होंने एक ध्येय वाक्य बनाकर इस बारे में कार्रवाई की है। जितने बिछड़े हुए बच्चे हैं, खासकर जो नाबालिग जितने भी गत वर्षों के, उसमें ना केवल कंटेम्प्रेरी बट पुराने सालों के लोगों को भी वो विशेष टीमें गठित कर लेकर आए। आई थिंक कितने आप लोग, हाँ देखिए वो जो परफॉर्मेंस है जो अरिश्मल साहब बता रहे हैं कि 32 बच्चे 42-44 जो टारगेट किए गए थे। सर, अभी 4 महीने पहले एक श्रुति नाम की बच्ची गायब हुई थी, उसके पीड़ित ने भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, काफी पुलिस के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन उसको अभी तक कोई ना तो रेस्पॉन्स मिल पाया है ना भी बच्ची मिल पाई है। सर, मैं उसको रिव्यू करवाऊंगा और उसको भी देखेंगे। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले
साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, NEET, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door convince facility. Aap CMRS aaye aur hamari vyavasthaon ka avlokan kare. CMRS Institute, GLG Square, opposite Harish Hospital, near Jail Circle, Alwar. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने भिवाड़ी में होली के अवसर पर लगने वाले बाबा मोहन राम लक्खी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके साथ ही क्षेत्र में हो रही वारदातों पर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। आईजी ने भिवाड़ी पहुंचते ही काली खोली धाम बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन किए और वहां पर भिवाड़ी पुलिस प्रशासन के द्वारा लक्खी मेले के दौरान लोगों की सुविधाओं के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उचित दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। दोपहर को आईजी उमेश दत्ता ने एसपी कार्यालय में पहुंचे और पुलिस के जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिससे खुश होकर आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने 201 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान हेड कांस्टेबल नंदराम, हेड कांस्टेबल बलराम, सिपाही संजय, जितेंद्र, चंदन, प्रदीप, मंजीत, आशीष, विश्वेंद्र और दीपेंद्र मौजूद रहे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थाना गाजी में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में पतंजलि के योग शिक्षक माता दीन शर्मा ने शिविरार्थियों को योग, प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कराया। सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटि अभ्यास, विभिन्न योगासनों सहित भस्त्रिका कपालभाति, उज्जायी भ्राह्य, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हुए दैनिक योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, शिविर प्रभारी प्रवक्ता पांडुनाम बंजारा, प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष पालीवर सहित स्टाफ व शिविरार्थी मौजूद रहे। शहर के काली मोरी फाटक के समीप स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में संचालित करौली पॉलिटेक्निक कॉलेज को करौली शिफ्ट किए जाने के विरोध में करौली पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इन छात्र छात्राओं का कहना था कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर करौली कैंपस को सरकार द्वारा करौली स्थानांतरित किया जा रहा है। वर्तमान में यह पिछले कई वर्षों से अलवर पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित की जा रही थी, जिसके चलते इसमें पढ़ने वाले 90% छात्र छात्राएं अलवर व अलवर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। ऐसे में शैक्षणिक सत्र के बीच में कॉलेज को करौली शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते कॉलेज वहां शिफ्ट होने पर उन्हें पारिवारिक व आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए वह समर्थ नहीं है। जिसके विरोध स्वरूप आज छात्र छात्राओं द्वारा फिलहाल करौली पॉलिटेक्निक कॉलेज को शिफ्ट नहीं किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जैसे कि सब न्यूज़पेपर में आ रहा है कि करौली की शिफ्टिंग हो रही है, स्थानांतरण हो रहा है, इससे हम सभी बच्चे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशानी होगी हमको आने जाने में करौली से। जब हमने एडमिशन लिया था तो हमसे ये कहा गया था कि करौली जब तक नहीं जाएगी, हमें तसल्ली दी गई थी कि नहीं जाएगी करौली, और अब टीचर्स हमसे बोल रहे हैं कि आपने करौली में एडमिशन ही क्यों लिया। एक तो अलवर वाली जो ब्रांच है, कॉलेज है, उसमें ना तो सीटें अवेलेबल थी और ना ही हमारी ब्रांच अवेलेबल थी, इसलिए हमको करौली में एडमिशन लेना पड़ा।
तो यही ये इसमें 90% बच्चे अलवर के ही है, तो अगर ये करौली शिफ्ट हो जाएगी तो हम सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, अधिक खर्चा होगा, जिसके लिए हमारे माता पिता ने भी मना कर दिया है। वो बोल रहे कि अगर आपने ज्यादा हल्ला मचाया, फिर ये धरना प्रदर्शन जारी किया, तो इन्होंने बोला है कि हम आपको डिटेन कर देंगे और पुलिस आ जाएगी और आपको ले जाएगी, यहाँ से गिरफ्तार कर लेगी। हमारी कॉलेज है जो करौली शिफ्ट होने वाली है, इसके आदेश आ चुके हैं और सर झूठ बोल रहे हैं कि अभी आदेश, कोई आदेश नहीं आया, कोई धरना प्रदर्शन मत करो आप, और धमकी दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बुला के आपको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, एक दो लड़कों को अंदर डलवा दिया जाएगा, ये है वो है। और ज्यादातर बालक जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो अलवर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के, अलवर लोकल के हैं, जो जाने में असमर्थ हैं, उनकी पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्या, इस वजह से वो जाना नहीं चाहते कोई भी बालक। सब बालक बोल रहे हैं कि कॉलेज चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी स्टूडेंट है वो सारे अलवर कॉलेज में पढ़ने चाहिए, बाकी न्यू एडमिशन है वो करौली से पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हमारी मांगे बस यही है कि हम करौली वाले स्टूडेंट अलवर में पढ़ना चाहते हैं, अलवर कॉलेज में। कोतवाली थाना क्षेत्र के बोहरा जी का पास में एक मंदिर में अज्ञात चोर ने घुसकर मंदिर के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से 75,000 रुपए की नकदी सहित 3 चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गया। इस मामले की सूचना मंदिर पुजारी रामचंद्र ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मंदिर के सामने स्थित एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में अज्ञात चोर कैद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति अपने कमर पर पिट्ठू बैग लगाकर आता और मंदिर के आगे चक्कर लगाकर रेकी करता है और रेकी के बाद मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर मंदिर में घुसता है और मंदिर के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी और चांदी के सिक्के लेकर फरार हो जाता है। मंदिर पुजारी रामचंद्र ने बताया कि वह सुबह 3 बजे उठे थे और बाथरूम चले गए थे, पीछे से अज्ञात व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसा और मंदिर के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें 75,000 रुपए और चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामला ये था कि सुबह मैं 3 बजे खड़ा हो जाता हूँ, उस दिन मेरे को लेट हो गया, मैं 3:10 पे खड़ा हुआ था, 3:10 पे खड़ा हुआ तो मैं उठ फिर मैं बाथरूम गया, सीधा बाथरूम जाकर वापस मैं आया, बाथरूम गया जब वो लोग यहाँ खड़े थे बाहर, वो लोग वो जैसे ये थे इसके परीक्षा देने वाले, परीक्षा देने वाले, सबके बैग लग रहे थे, नहीं मालूम वो कैसे थे कैसे नहीं थे, ये विश्वास का मेरे को पता नहीं, तो वो बाहर खड़े थे। अब मैं वहां से निकल के आया, जब मैंने आके मंदिर खोला, मंदिर खोल के देखा तो अलमारी का लॉक टूटा हुआ मिला, मैंने देखा बैग रखा था, उसमें बैग गायब, क्या क्या माल रखा था अलमारी, उसमें पैसे रखे थे और कुछ, इतनी नकदी थी, नकदी 75,000 रुपए थे, और क्या क्या सामान गया, और ये चांदी के सिक्के थे 2-3, अच्छा, और कुछ सामान मेरे वो आधार कार्ड वगैरह हैं, अच्छा, कागज हैं सारे, अच्छा, और मेरा कोतवाली थाने में शिकायत दी 26 तारीख को लिखा है, अच्छा अच्छा 26 तारीख को FIR दर्ज करवाई। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध।
CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, NEET, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, ओवर 2.5 लाख क्वेश्चन बैंक, डाउट क्लियरिंग सेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, स्पेशल अटेंशन ऑन वीक स्टूडेंट्स, रेगुलर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, AC कैंपस फॉर स्टूडेंट्स एंड डोर टू डोर कन्वेंस फैसिलिटी। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, GLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि मीटिंग में कांग्रेस संगठन की मजबूती, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के रूट मैप पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में सक्रियता से जुड़कर घर घर जाकर राहुल गांधी का संदेश पत्र, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों के पैम्पलेट, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के स्टीकर चिपकाने, बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के 3 दिवस में गठित करने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष जयदीप आर्यन एवं प्रीतम मेहंदीरत्ता, अनिल जैन, प्रधान जाकिर हुसैन, जोगेंद्र कोचर, शादी खान, रमन सैनी, रिपु दमन गुप्ता, रामस्नेही शर्मा, राजेंद्र पॉल, साजिद खान, अंकित गोयल, नरेंद्र मीणा, महेंद्र सैनी, राजेश विनवानी, जीत कौर, अनीता उपरवाल, सोनू गोपालिया, के खंडेलवाल, मोतीलाल सैनी, ब्रजेंद्र सेन, जसवंत सिंह, संजय शुक्ला, शोभा साहू, रिंकू वर्मा, मनोज आहूजा, मुकेश शर्मा, गुड्डू शर्मा, दुर्गा सिंह, शशिकला, सुरजीत सिंह भमलोत, राहुल खान, सुदर्शन अरोड़ा, नेहा राजू सैनी, निरंजन लाल सैनी, लोचन यादव, धर्मपाल तवर, वैभव नरूका, धारा सिंह, रामगोपाल सोनी, मनीष कोहली, खेमचंद महावर और डालचंद वर्मा आदि मौजूद रहे। वन्य जीवों की रक्षा में अपने बचपन को समर्पित कर रखा है मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा ने। उनका कहना है कि सेवा करने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई समय होता है। परमात्मा ने मनुष्य को पृथ्वी पर अच्छा कार्य करने के लिए भेजा है। अपने लिए तो हर कोई जीवन जीता है, लेकिन जो बेजुबान पशु पक्षियों की जान बचाने के लिए जीता है उसे जीवन कहते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर राजस्थान के जयपुर जिले की प्रावटा तहसील के गाँव भांकरी निवासी जीव प्रेमी मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा का एक ही लक्ष्य है, जहाँ भी कोई पशु पक्षी घायल या बीमार हो तुरंत उसके पास पहुंचकर उसकी पीड़ा को दूर करवाती हैं। इतना नहीं, पशु पक्षियों को भी इन दोनों भाई बहनों के प्रति इतना ही लगाव हो गया है। जिस मोर को 10 अक्टूबर 2019 को मोहित व दिव्या ने श्वानों के चंगुल से छुड़ाकर बचाया था, वो मोर रोजाना सुबह इनके हाथों में निडर होकर दाना चुगता है। यही नहीं, जब तक दोनों के पास दाना नहीं आता तब तक वह जाता ही नहीं है। कोरोना काल में जहां लोग घरों में छिपे बैठे थे, लेकिन दिव्या शर्मा दिन रात घायल पशु पक्षियों की रक्षा करने में लगी हुई थी। घायलों में फैले भयानक लंपी स्किन रोग में दिन रात दिव्या शर्मा ने गायों का उपचार करवाया एवं अपने हाथों से गायों के घावों पर रोजाना मरहम लगाना एवं जहां अधिक संख्या में गायों का समूह बैठता था वहां रोगाणुनाशन दवा का छिड़काव करना इनका कार्य रहा है। इन्होंने लंपी के दौरान 500 से अधिक गायों का उपचार करवाया। मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा से पशु पक्षी इतने घुल मिल गए हैं कि जैसे उनके घर के सदस्य हैं। जिन दूध पीते वन्य जीवों बच्चों की माँ उन्हें जंगल में छोड़कर चली जाती है या मर जाती है, उन्हें ये अपने हाथों से निप्पल एवं बोतल से दूध पिलाते हैं। इसके अलावा बिल्ली को दूध पिलाती है, कुत्ते और गाय आदि को खाना खिलाती है। इसके अलावा जो पशु चारा नहीं खा पाता उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। इन्होंने अब तक हजारों वन्य जीवों की जान बचाई है।
भाजपा जिला अलवर उत्तर अध्यक्ष उम्मेद भाया की अध्यक्षता में सभी जिला मोर्चा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 4 मार्च को जयपुर में होने वाले महाप्रदर्शन व विधानसभा घेराव की रूपरेखा पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में तिजारा विधानसभा से 2500 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं बैठक में जंगल राज, निरंकुश भ्रष्टाचारी, कुशासन, महिला उत्पीड़न, युवा व किसान विरोधी कांग्रेस सरकार की चुल हिलाने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे। इस अवसर पर बलवीर तंवर, प्रवीण यादव, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमार, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभय भिदुड़ी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सहसुद्दीन, बाबूलाल धैमीवाल, जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष उद्यमी पोसवाल, जिला संयोजक प्रवासी प्रकोष्ठ राधेश्याम यादव, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विश्वेश्वर चौधरी, दिनेश यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर चौहान, सतीश चांगिड, सुनील यादव, युवा मोर्चा जिला महामंत्री निहाल सिंह, युवा मोर्चा टपुगड़ा मंडल अध्यक्ष भुवनेश कर्क, निरंजन सेन, हरदीप सिंह, अमित धमीर, धीरज पार्षद, यश गोयल, नवीन यादव, जयप्रकाश, जतिन गर्ग, मनीष यादव, जितेंद्र, महेंद्र पोसवाल, फूल सिंह पंच, राहुल व सभी मोर्चों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रामगढ़ बार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि जोधपुर के एडवोकेट जगुराज सिंह चौहान की सरेआम चाकू से गोदकर सिर में पत्थरों से मार मारकर हत्या की गई थी। इन हत्या के कारण राजस्थान के सभी अधिवक्ताओं में भय व्याप्त है। जिला यूनियन की मांग से सहमत होते हुए राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और मृतक एडवोकेट के परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। साथ ही मृतक के परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा रामगढ़ में स्थायी एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन संघ पिछले 1 पखवाड़े से धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर रहा है। संघ के सचिव एडवोकेट मोहित जैन ने बताया कि राजस्थान में अराजकता का माहौल छाया हुआ है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग बेखौफ अपराध कर खुलेआम घूमते रहते हैं। जोधपुर के एडवोकेट जगुराज सिंह चौहान की नृशंस हत्या कर दी गई। सभी अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिला संघ की विभिन्न मांगों से सहमत होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, सचिव मोहित जैन, रोहिताश वर्मा, सुरेश गुर्जर, मुकेश सोलंकी, अमन जैन, दिनेश शर्मा, बंटी शर्मा, चरणजीत सिंह, रोहिताश सैनी, मुकेश सैनी, हरजीत सिंह सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। युवराज सिंह चौहान जो कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता थे, अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी हत्या रोड पर सड़क पर इस तरह से की गई, चाकुओं से गोद कर मारा गए और पत्थर पैक करके उनका सिर फोड़ा गया। ऐसा जघन्य अपराध राजस्थान की सड़कों पर आए दिन हो रहा है कि वकीलों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अपराधियों में भय नहीं है, भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है कि वकीलों को सुरक्षा दी जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाई जाए। इसलिए आज हमने उपखंड अधिकारी रामगढ़ को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन। नौगावा तहसील में स्थित कृषि महाविद्यालय पर गुरुवार को महाविद्यालय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना घटक 2 के अंतर्गत स्थापित करियर विकास केंद्र के तहत मशरूम उत्पादन तकनीकी पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर सुमन खंडेलवाल ने बताया कि करियर विकास केंद्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों का एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना है जिसके माध्यम से छात्र अपने आप को एक उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल एवं दक्षता को विकसित कर सके। महाविद्यालय की सह प्रधानाध्यापक डॉक्टर सुरेश लोहरा ने छात्रों को मशरूम उत्पादन तकनीकी पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी अलग अलग किस्मों की खेती वर्ष भर कर सकते हैं और इससे वर्ष भर कमाई होती रहती है। यह बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तरी भारत में सफेद बटन मशरूम की मौसमी खेती करने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मशरूम की 2 फसलें ली जा सकती हैं। बटन मशरूम की खेती के लिए अनुकूल तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। इसके पश्चात महाविद्यालय के छात्रों ने कृषि अनुसंधान केंद्र पर स्थापित मशरूम प्रदर्शन इकाई का भ्रमण कर मशरूम उत्पादन तकनीकी का प्रायोगिक प्रशिक्षण अर्जित किया। कार्यक्रम का संचालन करियर विकास केंद्र प्रभारी रामू मीणा ने किया।
गोविंदगढ़ कस्बे में श्री श्याम सखा मंडल ने गुरुवार को श्याम बाबा की भव्य रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा कुंडा वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई बनखंडे स्थित श्याम मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में श्याम बाबा का दरबार, दुर्गा माँ की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, शिव पार्वती की झांकी विशेष आकर्षक का केंद्र रही। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हाथों में श्याम ध्वजा लेकर शामिल हुई। शोभा यात्रा में बैंड और डीजे की धुन पर श्याम भक्त थिरकते हुए नजर आए, वहीं जमकर गुलाल भी शोभा यात्रा में उड़ाई गई। शोभा यात्रा का कस्बे में जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। सुरक्षा दृष्टि के मध्य पुलिस जाप्था भी तैनात रहा। कस्बे में आयोजित फाल्गुन मास के दूसरे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कस्बे के श्याम सखा परिवार ने किया था। इस यात्रा में ट्रैक्टर के रथ पर बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा को सुसज्जित कर स्थापित किया गया। बाबा खाटू श्याम के प्रेमियों ने आज दोपहर बाद करीब 3 बजे इस शोभा यात्रा की शुरुआत कस्बे के श्री सीताराम मंदिर, गंगा मंदिर, चौपड़ बाजार, पिंच मंदिर होते हुए बनखंडी मंदिर होते हुए निकली। श्याम प्रेमी महिलाओं एवं युवाओं ने अपने हाथों में श्याम बाबा के निशान को लेकर नाचते गाते हुए मंदिर से यात्रा शुरू की। डीजे व ढोल नगाड़ों की धुन पर श्याम प्रेमियों ने जमकर डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर खूब गुलाल उड़ाया। इस दौरान भगवान दास, दीपक बटवाड़ा, लव सिंगल, सौरभ गर्ग, मोहित बटवाड़ा, परसी खंडेलवाल, विशाल खंडेलवाल, पिंटू, ओम प्रकाश बुर्जा वाले और सोनू आदि शामिल हुए। भिवाड़ी यूआईटी थाना तहत साथलका गांव में डेयरी पर काम करने वाले 28 वर्षीय युवक की गुरुवार की बीती रात लाठी डंडों व चाकू से गोदकर नरसंग हत्या कर दी। यूआईटी थाना को मिली सूचना पर मौके पर थानाधिकारी सहित अन्य आलाधिकारी भी पहुंचे और जानकारी जुटाई, जिससे यह पता चला कि युवक देवेंद्र उर्फ खेड़ा पुत्र सुरेंद्र चंद्र निवासी गाँव खेड़ा ब्राह्मण तहसील डीख भरतपुर हाल साथलका कैपिटल मॉल के पास एक डेयरी पर काम करता है। वहीं यूआईटी थाना पुलिस ने युवक का शव अपने कब्जे में लेकर भिवाड़ी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। युवक की हत्या की सूचना परिजनों को दी गई। आज सुबह गुरुवार को परिजन भिवाड़ी उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड गठित कर युवक का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। 8 वर्ष पूर्व देवेंद्र उर्फ खेड़ा काम की तलाश में भिवाड़ी आया था। वहीं भिवाड़ी में 1 साल तक सही तरीके से काम किया और माफिया के चंगुल से फंसकर चोरी चकारी डकैती और लूट जैसी वारदातों में संलिप्त रहने लगा। कई वारदातों में पिता सुरेंद्र चंद्र जेल से जमानत लेकर भी आए हैं। परिजनों का कहना है कि जिस जगह काम करता था उन्हीं लोगों ने देवेंद्र की हत्या की है और थाना पुलिस में सुनील गुर्जर, अवतार सिंह को नामजद करते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में देवेंद्र उर्फ खेड़ा के ऊपर भिवाड़ी के 2 थानों में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूर्य जी, जो ये घटना हुई, क्या ये घटना है और क्या आपके लगते हैं? देखो, घटना घटना जी का हमें मालूम नहीं है, ये उन लोगों ने मारो ही ये इसको कम्बा गए और ये खुद खा गए। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? अवतार और सुनील, इन लोगों ने, और यही लोग मतलब छुड़ा के लाए जेल पे, मैं जमानत पे भी नहीं लाया बनिए, ये खुद लाए और खुद कमाइए खा रहे ये लोग, और इन लोगों ने खत्म कर दिया। क्या ये काम करते थे जो ये जेल पे जाना जाना इनका लगा रहता था? क्या काम करते थे? नशा करना और लूटपाट करना, ये धंधा था। तो अभी आपको क्या सूचना मिली, कैसे उनका मर्डर हुआ है? ये तो थानदार साहब ने फोन करो, मतलब हमारी चौकी पर, और चौकी से मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे भाई देवेंद्र खेड़ा का मर्डर हो गया है और आ जाओ लाश ले जाओ। किन हथियारों से, क्या कैसे, क्या मिला आपकी डेड बॉडी? डेड बॉडी में तो अब ये पोस्टमार्टम है रो सर। कोई हथियार से यूज हुआ है कैसे? क्या चाकू लग रहे हैं वहाँ में? चाकू लग रहे हैं, हाँ, और एक पायो खाट को और एक डंडा है। तो क्या शरीर पर और भी कोई चोट वोट के निशान है? चोट के निशान। तो क्या आपने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है? आप रिपोर्ट वगैरह दर्ज करा रहे हैं? आप रिपोर्ट करा दें। किन के नाम में करा रहे हो? जिन के नाम से करा दिए। क्या नाम है उनके? आपका और ये कहता है सुनील। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? कौन हम? आप हम तो सामने खेड़ा ठीक तहसील। तो ये कितने दिनों पहले घर से आए थे? ये 7-8 साल है गई जाएंगे। जब से घर नहीं गया ना, तब से यही भिवाड़ी में? हाँ, भिवाड़ी में यही काम करता लूटपाट को। ये और क्या, लगभग कितने मामले दर्ज होंगे इसको भिवाड़ी में? पता नहीं सर, हमें तो आपको ये कैसे मालूम कि ये यही काम करते थे?
मैं कई बार इसको छोड़ा के लाया जेल से, कचोरी में गया है, किसी के यहाँ से 15 पौआ अन पर केस लगाया है कि पुलिस ने 15 पौए लेके जा रहा था, 20 पौए लेके जा रहा था, और ऐसे मतलब केस अगर लगते चले गए और यहाँ नशे नहीं मतलब घुमरा तो चले गए इन लोगों ने। तो अब अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी घर ले जा रहे हैं? हाँ, घर ले जा रहे हैं सब और खा कर। तो शादीशुदा था या ना? अनमैरिड। कितनी उम्र होगी? 28। कितने पढ़े थे? 9वीं मतलब फेल, 9 पास था। उसके बाद से ये आपराधिक प्रवृत्ति में आ गया? हाँ, साल भर तो बढ़िया रहा वही है, और उसके बाद में इन नशेबाजों के चक्कर में पड़ गया, वो काफी साइकिल उठा, काफी सिलेंडर उठा, ऐसे काम करने लगा वही है। कितने भाई बहन है ये लोग? ये 3 भाई है और लड़की। यातायात पुलिस और जिला परिवहन विभाग की ओर से आज SMD सर्किल पर यातायात नियम की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला परिवहन DTO और यातायात पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाले वाहन चलाने वाले लोगों के चालान काटने की कार्रवाई की। इसके अलावा टीम ने 9 पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान काटकर जब्त करने की कार्रवाई की। वहीं सड़क पर मौजूद सफेद पट्टी के बाहर खड़े दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। इस दौरान बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले लोगों से समझाइश भी की गई। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक हरिराम यातायात ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस वैसे तो रोजाना यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करती है, लेकिन आज जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चालान काटने की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि लोग घरों से जब भी वाहन लेकर निकले हेलमेट का उपयोग करें, साथ ही बिना सीट बेल्ट के चौपहिया वाहन नहीं चलाएं। इसके अलावा बाजारों में वाहनों को सड़क पर खड़ा नहीं करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ा करें। गाड़ी को बाजार में खड़ा करने से बाजार में जाम के हालात होने के चलते पैदल निकलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोग भी यातायात नियमों का पालन करें। युवराज सिंह चौहान जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे, अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी हत्या रोड पर सड़क पर इस तरह से की गई, चाकुओं से गोद कर मारा गए और पत्थर पैक करके उनका सिर फोड़ा गया। ऐसा जघन्य अपराध राजस्थान की सड़कों पर आए दिन हो रहा है कि वकीलों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अपराधियों में भय नहीं है, भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी सरकार से मांग है कि वकीलों को सुरक्षा दी जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाई जाए। इसलिए आज हमने उपखंड अधिकारी रामगढ़ को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन। इतना लगता है कि लोग जागरूक हैं इस बात के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस नियम का पालन करें, लेकिन लोग ऐसे ही ले रहे हैं। देखो, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर के हमारा कैंपेन तो लगातार चल रहा है और जैसा आपको पता भी है, और बहुत जरूरी है ट्रैफिक सेंस का होना, अवेयर होना, और उसी को लेकर के हम लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आज DTO साहब भी पधारे हैं तो हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लोगों को सिखा रहे हैं जेबर क्रॉसिंग नहीं करनी है, हेलमेट तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लोगों ने थोड़ा उसका समझा भी है और अपने सिटी में लगभग आंकड़े आ रहे हैं जो 98% तक लोग हेलमेट लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नगर परिषद साथ मिलकर करना चाहिए, इसलिए प्लान पर दुकानें खुली हैं, कब्जे हैं, जेब लाइन पर बोर्ड नहीं है और जेब लाइन इवन कट करके पैदल निकल भी नहीं सकता जेब लाइन, तो वो कैसे होंगी? आपने कोई डिमांड किया UIT से? UIT से हमने कई बार रखा है, तो अब निकट भविष्य में जल्दी हम करेंगे अतिक्रमण हटाने की रोड से, वो कार्रवाई हम उससे करेंगे। क्या स्लिप लाइन खुल सकती है? बिल्कुल खुलेगी, नागरिकों के लिए बिल्कुल सुविधा है, वो मिलनी चाहिए, और जो भी इसमें विभाग मिले हैं, जो नगर परिषद है, UIT है और हमारा विभाग, जो भी मिलकर के कार्रवाई करेंगे। सर, स्लिप लाइन को देखा जा रहा है कि आपके जो सिपाही हैं जो चौराहों पर रहते हैं, वो तमाम सिपाही आपके चालान में व्यस्त रहते हैं, कि आपको लगता है कि उनको समझाइश भी करनी चाहिए लोगों को कि भाई स्लिप लेन खाली छोड़ें, लेफ्ट के लिए रास्ता छोड़ें और जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको पार नहीं करें? नहीं, उसके लिए हम बिल्कुल बार बार शाम को रोल कॉल लेते हैं, उसमें बताते भी हैं और कर भी रहे हैं। हमारे एक दो जवान तो लगातार आप देख रहे होंगे, पेपर में भी आ रहा है उनका, वो घर समझाइश भी करते हैं।
भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र में बाइक सवार पिता पुत्र को सामने से तेज गति में आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्र घायल हो गए। उसके बाद भिवाड़ी अस्पताल ले जाया गया। दोनों की गंभीर स्थिति होने के चलते जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। घायल अमर सिंह ने बताया कि मेरा बेटा मुकेश दोनों बाइक पर बैठकर भिवाड़ी से सेटरिंग का कार्य कर अपने गाँव बादोली आ रहे थे। भिवाड़ी UIT सेक्टर 2 में सामने से आ रही बाइक ने अमर सिंह और उसके बेटे मुकेश कुमार को टक्कर मार दी, जिसमें अमर सिंह के सर में गंभीर चोट लगी है और मुकेश के हाथ पैर और कमर में चोट लगी है। बाइक मुकेश चला रहा था और उसका पिता अमर सिंह पीछे बैठा हुआ था। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये भिवाड़ी हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? किस पे? हम अपने रूम पे जा रहे थे। कौन सी जगह? भिवाड़ी 2 नंबर सेक्टर में। अच्छा, तो ये कौन सी जगह हुआ है? ये वहीं भिवाड़ी आज ऊपर के सामने। कौन कौन बैठे हुए थे आप? मैं था, मेरा लड़का था मुकेश। अच्छा, तो किस चीज ने टक्कर मारी है? मोटरसाइकिल ने टक्कर मार के नहीं, वो छोड़ के निकल गया था। अच्छा, हमको पड़ा छोड़ गया। अच्छा, तो दोनों की लगी है? अब उनका तो क्या पता लगी है नहीं लगी है। नहीं, आपके और बेटे के लगी है। हाँ है? हाँ जी। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हो? हम बांधोली के रहने वाले। अच्छा, क्या काम करते हो? सैटरिंग का काम करते हैं। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र 2 क्षेत्र के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 स्थित देसी और अंग्रेजी की शराब दुकान में महंगी शराब की बोतल सहित गल्ले में रखी नकदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। दुकान संचालक कृष्णेश ने बताया कि रात्रि में दुकान में चोरी की घटना का पड़ोसी द्वारा फोन आने पर पता लगा। मौके पर देखा तो दुकान का शटर उखड़ा हुआ मिला। दुकान में रखी महंगी शराब की बोतलें व नकदी गायब मिली। चोरी का आंकलन दुकान के फिजिकल के बाद ही पता चलेगा। चोरी की घटना से थाना पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। ये हमारी वार्ड नंबर 2, 3, 4 की सरकारी शराब की दुकान है, अंग्रेजी शराब कंपोजिट दुकान है। यहाँ पड़ोसी जो मकान मालिक है, उसने मुझे सुबह फोन किया कि इसका शटर उपड़ा हुआ है, एक बार आप आओ। हमने आके जब देखा कि शटर उपड़ा हुआ था, हमने थाने में सूचना करी और इसको अब शटर सही करके इसको देखा है। तो अब इसमें देखेंगे फिजिकल करके कि भाई दुकान में क्या क्या चोरी हुआ है, क्या क्या नहीं, ये अब फिजिकल करके पता लगेगा। कितना माल हुआ है? आइडिया तो इसमें क्या लगा सकते हैं, गल्ला गिरा हुआ है, गल्ले में से खुले पैसे और वो गायब हैं, और बाकी बोतल मोटी मोटी 2 या 3 तो नज़र आ गई हैं, और बाकी तो फिजिकल होगा जब इसका पता लगेगा। जो 2-3 बोतल है वो जो है, एक अंडर पाइपर है, एक सिग्नेचर है, एक अमेरिकन प्राइड की, ये 3 बोतल दिख रही है कि हुई है चोरी। इसके अलावा और भी होने और पैसे? हाँ, और अब देखेंगे फिजिकल होगा तो उससे क्या, छोटे जो क्वांटिटी में है MCD जो भी वैसी है, बाकी कोई पेटी और वो गई है तो वो एक बार फिजिकल होके उसके बाद पता लगेगा। CCTV कैमरे में भी टैग होंगे? हाँ, CCTV की अभी देखेंगे, मंगाया है मॉनिटर आ रहा है, इसमें देख के उसे पता लगेगा कि भाई क्या क्या, कौन चोर थे, कौन क्या है, किसने क्या किया है। गर्मी के आगमन की शुरुआत से ही पेयजल समस्या को लेकर लोगों का सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है। ऐसा ही नजारा अलवर शहर के मुख्य मार्ग कलेक्ट्रेट रोड पर देखने को मिला, जहां पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 26 की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रोड जाम कर दिया, जिसकी वजह से जिला कलेक्टर जाने आने वाले राहगीरों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान महिलाएं मानव श्रृंखला बनाकर बीच रोड पर बैठ गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की, लेकिन महिलाएं जस की तस नहीं हुई। वार्ड नंबर 26 की महिलाओं ने बताया कि पिछले 2 साल से वार्ड में पेयजल समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर जलदाय विभाग व जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वार्ड में मजदूर वर्ग की संख्या अधिक है, जिस कारण ज्यादातर समय दूसरे वार्ड क्षेत्रों व टैंकरों से पानी लाने में गुजर जाता है, जिसके कारण मजबूरी में रोड जाम करना पड़ रहा है। रोड जाम के कारण कलेक्ट्रेट SP कार्यालय व बार एसोसिएशन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारियों को वापस लौटकर दूसरे रास्ते से अपने कार्यालय तक पहुंचना पड़ा। पानी के लिए कितने दिन हो गए आपको पानी की समस्या? पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। कैसे पानी लाके काम चलाते हो? कहाँ से लाना पड़ता है पानी? निकलाते हैं टैंकर गिराते हैं, खाकर गिरा टैंकर, तब बीमार हो जब भी पानी लेके जा रहे हैं। तो क्या गरीब मोहल्ला है, इसलिए रोजाना टैंकर भी नहीं चला सकते? रोजाना टैंकर आता है,
थी, मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, मजदूर है सारे, कोई भी नहीं है सरकारी नौकरी वाला। तो कभी आपने इसकी शिकायत की कोई? कलेक्टर सकी, सवन सकी, नहीं कोई समाधान नहीं हुआ, कोई समाधान है? कभी पार्षद से बोला आपने? पार्षद से खूब बोल दिया, वो तो अपना जीवन पानी ला के देगा जी, पार्षद हमारा कुछ कर ही नहीं रहा, इसलिए आज मजबूरी में जाम लगा है। राजगढ़ कस्बे में स्थित पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय राजगढ़ की प्रबंधकारिणी समिति का वार्षिक चुनाव 5 मार्च को रविवार को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा द्वारा आज 2 मार्च को मतदान सूची की प्रकाशन किया गया है। मतदाता सूची में चुनाव के नियमों को पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय में कुल मतदाता 217 है, जिनमें से 33 प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उसके उपरांत प्रबंधन कारिणी सदस्यों में से अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 उपसचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 1 उपकोषाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। प्रबंधकारिणी के चुनाव के बाद पदाधिकारियों का चुनाव 12 मार्च रविवार को होगा। निर्वाचन अधिकारी शर्मा ने बताया कि मतदाता सूची संबंधित कोई भी आक्षेप 4 मार्च को 6:30 बजे तक संस्था के सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अरावली विहार थाना पुलिस ने कालीमोरी मोती नगर स्थित एक कपड़े के गोदाम पर छापा मारकर ब्रांडेड प्यूमा के नाम का प्रयोग कर नकली कपड़ों का माल पकड़ा। पुलिस ने गोदाम मालिक अजय सैनी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने गोदाम में रखा सारा माल जब्त कर लिया। अरावली विहार थाने के सहायक निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि प्यूमा कंपनी के प्रतिनिधि संजय शर्मा के द्वारा थाना क्षेत्र के मोती नगर में प्यूमा कंपनी के नाम से नकली ब्रांडेड कपड़े बनाने व बेचने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस टीम ने गठित कर गोदाम पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली लोवर और शॉर्ट्स की खेप मिली। पुलिस ने नकली ब्रांडेड कपड़ों सहित एक स्टीकर मशीन, एक स्टीकर शीट सहित करीब 1000 नकली ब्रांडेड कपड़ों को जब्त किया है। पुलिस द्वारा आरोपी अजय सैनी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अजय सैनी अपने गोदाम में मशीनों के द्वारा नकली प्यूमा ब्रांडेड के कपड़े बनाकर उन पर नकली स्टीकर लगाकर अलवर सहित आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करता है। कल दिनांक के 1/3/2023 को हमने पूमा कंपनी के कॉपीराइट अधिकारी श्री संजय शर्मा के साथ 56 मोती नगर गोदाम पर कार्रवाई की, जिसमें गोदाम संचालक अजय सैनी से 1000 नग पूमा कंपनी के हाफ लोवर, जिनमें नकली पूमा कंपनी का स्टिकर चिपके हुए लगे हुए थे, बरामद किए हैं। और स्टिकरों को कपड़ों की प्रेस करने वाली एक मशीन बरामद की है। इसके अलावा जो इसकी स्टिकर एक स्टिकर शीट भी बरामद की गई है। और उसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। जी, उसके बारे में अनुसंधान किया है, जो गोदाम पर ही कपड़े सिल करके बनाता था और किसी कंपनी को ग्राहकों को नकली पूमा कंपनी का स्टिकर लगा करके उसको असली का रूप दे करके ग्राहकों को बेचकर करने का कार्य किया जा रहा था। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में हो रहे 14 वर्षीय क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला क्रिकेट संघ अलवर की क्रिकेट टीम में शालीमार क्रिकेट एकेडमी अलवर के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यह 4 खिलाड़ी गगन भारद्वाज, वंश हांडा, अंशुमन शर्मा व अमन भारद्वाज हैं। ये चारों खिलाड़ी 3 मार्च से जयपुर में हो रही प्रतियोगिता में अलवर जिले का नेतृत्व करेंगे। इस मौके पर शालीमार क्रिकेट अकेडमी के निदेशक प्रतीक प्रधान व कोच प्रतीक शर्मा ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों ने अपने चयन का श्री कोच प्रतीक प्रधान और प्रतीक शर्मा एवं निशांत प्रधान को दिया है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां रात में चोरों ने नारायण धाम मंदिर सहित अन्य मंदिर में हाथ साफ कर लिया। चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर 4 किलो के लड्डू गोपाल, 2 छोटे लड्डू गोपाल, 8 नए गंगा सागर, 1 घड़ियाल ठाकुर के नहाने वाले तांबे के बर्तन, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर सहित मंदिर के अन्य सामान व कुछ नकदी उड़ा ले गए।
कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि चोरी की घटना पर टीम गठित कर अनुसंधान किया, जिस पर मुखबिर व तकनीकी विश्लेषण सहित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिन्हित कर धोबीघट्टा निवासी सुरेंद्र उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पुलिस के द्वारा चोरी में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश व माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये दिनांक 21 फरवरी को थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 2 और स्कीम नंबर 3 में दो मंदिरों में चोरियां हुई थी। इस संबंध में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुकदमों में अनुसंधान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जो इनपुट आए उनके आधार पर एक मुलजिम को इसमें हमने गिरफ्तार किया है। इस मुलजिम का नाम सुरेंद्र उर्फ दीपक है और ये धोबीघट्टा का निवासी है। सर, मामले में अन्य भी कुछ लोग हैं? अभी इसमें अनुसंधान जारी है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह है कि इसमें एक विधि से संघर्षरत बालक और इन्वॉल्व है, उसकी दस्तियाबी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मनचपता गांव में 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको अचेत अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रहीश खान अपने खेत पर पानी मोड़ रहा था, तभी खेत के ऊपर से जा रही 11,000 केवी की लाइन अचानक टूटकर खेत में आ गिरी, जिससे चपेट में आने से खेत पर कार्य कर रहा रहीश खान आ गया। लाइन से झुलसने के कारण रहीश की पीठ, हाथ व शरीर के अन्य अंग बुरी तरह झुलस गए। गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। ये लाइट में वो था 11,000 का तार टूटकर खेत में पानी मोड़ रहा, और 11,000 का तार टूटकर तो करंट आ गया उसमें। कहां कहां लगी इनके? रील की हड्डी पे यहाँ ज्यादा फ्रैक्चर है, हाथ पांव जड़ गए, हाथ वाथ सारी जगह जड़ गए। अब कहाँ ट्रीटमेंट चल रहे हैं इनका? ये अब तो अलवर से रेफर कर दिए, जयपुर के लिए जा रहे हैं। तो ये खेत पर क्या कर रहे थे जब घटना हुई थी? पानी मोड़ रहे थे। तो खेत के ऊपर से लाइन जा रही थी? लाइन ऊपर से लाइन जा रही, वहाँ से 11,000 का टूट गया, खेतों पर आ गिरी। हाँ, जिससे झुलस गए। झुलस गए। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। गोविंदगढ़ कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर से करहा देड़ी हनुमान मंदिर के लिए बुधवार को द्वितीय पदयात्रा शुरू हुई। कस्बे से पदयात्रा में सैकड़ों लोग गोविंद देव जी के मंदिर से शामिल होकर कस्बे के चारों बाजारों से होते हुए डीजे बाजे की धुन पर झूमते हुए और नाचते हुए पदयात्रा में शामिल हुए। यात्रा संयोजक मुकेश ठेकेदार ने बताया कि हनुमान मंदिर के लिए कस्बे से यह दूसरी पदयात्रा है। हनुमान की अपार महिमा लगातार लोगों पर बनी रहे, क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा बना रहे, इसके लिए कस्बे से यह दूसरी पदयात्रा हनुमान मंदिर के लिए गई है। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। इस पदयात्रा को भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई और देर रात तक हनुमान जी मंदिर पर पहुंची। वहां पर मंदिर पे ध्वजा चढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया गया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजनों का होने से लोगों में धर्म की जागृति होती है, इसलिए ऐसे आयोजनों का होते रहना जरूरी है। इस मौके पर मुकेश ठेकेदार, भाजपा नेता सुखवंत सिंह, मंदिर महंत भरतदास महाराज, मिंकल खंडेलवाल, सचिन ई मित्र, कृष्णा सोलंकी, प्रशांत मेहंदीरता, विशाल खंडेलवाल, देव खटाना, नरेंद्र, सचिन खंडेलवाल, हार्दिक गेरा, प्रभा खंडेलवाल, पूजा खंडेलवाल, बीना खंडेलवाल, रविन्द्र शर्मा, प्रिया शर्मा, शालू नारंग, तुषार सोलंकी, कैलाश शर्मा और डीजे वाले आदि मौजूद रहे। हरियाणा के मेवात में फिरोजपुर झिरका कस्बे में पहुंचकर गौर रक्षक रिंकू सैनी के पिता एवं परिजनों से भेंट की एवं उनकी पत्नी रामगढ़ की बेटी श्रीमती गीता को न्याय मंच एवं धर्माश फाउंडेशन की ओर से 1,00,000 का चेक सहयोग के रूप में दिया गया। उसके बाद मेवात के ही मारोड़ गांव पहुंचे, वहां गौ रक्षक श्रीकांत पंडित के परिजनों से भेंट की तथा राजस्थान पुलिस की बर्बरता के कारण श्रीकांत की गर्भवती पत्नी श्रीमती कमलेश का गर्भपात हो गया, इस हृदय विदारक घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की एवं उन्हें भी न्याय मंच व धर्माश फाउंडेशन की ओर से 1,00,000 का चेक भेंट किया गया। दोनों परिवारों को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सभी संगठनों और हिंदू समाज की ओर से पूर्ण सहायता का विश्वास दिलाया गया। इस यात्रा का नेतृत्व विनय कृष्ण चतुर्वेदी, तुफैल संस्थापक न्याय मंच ने किया। राजस्थान से हितेश शर्मा, छोटे लाल चौधरी, अमरचंद यादव, रोहित शर्मा, गगन सिंह सहभागी रहे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 3 मार्च को छात्र सम्मेलन होगा, यह जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष मूलचंद डीकवाल, समाज सेवी सचिव डॉक्टर श्याम सुंदर मीना, परिषद कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष नीतीश राज शर्मा व नगर मंत्री रोहित चौधरी रहे। स्वागत समिति ने सचिव ने बताया कि छात्र सृजन 3 सत्र में होगा, प्रस्ताव सत्र, उद्घाटन सत्र और खुला मंच, जिसमें जिले के गांव-गांव व थानी-थानी से आए छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन होगा। कार्यक्रम में 2 प्रस्ताव होंगे। राजस्थान का वर्तमान परिदृश्य चिंताजनक और अलवर में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर विचार रखे जाएंगे। इसके पश्चात उद्घाटन पर मुख्य अतिथि व वक्ताओं के उद्बोधन, छात्र छात्राओं द्वारा खुले मंच पर पर्यावरण, G20, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी एवं इनमें वर्तमान में कानून व्यवस्था में विसंगतियों को उजागर करने और राजस्थान राज्य की समस्त सरकारी भर्तियों में धांधली और अनियमितता के चलते युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर परिषद की ओर से छात्र सम्मेलन छात्र छात्राएं शामिल होंगे। जी 3 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रही है, 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस उपलक्ष्य में हम चाहते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार चाहता है कि निश्चित रूप से छात्रों के हित में, छात्रों के सहयोग के लिए और छात्रों का उत्साह वर्धन के लिए निश्चित रूप से उनकी मांगों को उठाया जाए। इसी दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि आए दिन राजस्थान में जो पेपर लीक के प्रकरण हो रहे हैं वो युवाओं के साथ विश्वासघात है और उन माँ बापों के, उन बेरोजगार युवाओं के साथ जिनके माँ बाप उनको खेती करके मजदूरी करके शहर में भेजते पढ़ाते हैं, उनके साथ एक अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग एक पूरा शोभा यात्रा निकालेंगे और शोभा यात्रा के द्वारा फिर होप सर्कल से खुला मंच रखेंगे। खुले मंच से हमारे सभी AVP के युवा उस समस्याओं को रखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ये गूंगी बहरी सरकार जो कि पिछले 4 सालों में युवाओं को जो अपेक्षित नौकरियां थी वो भी नहीं दे पाई, जो अपेक्षित परीक्षाएं थी उनको भी कंडक्ट ठीक से नहीं करा पाई, उनको कराने का या प्रयास करे या ये सत्ता छोड़ के भागे। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना सारा युवा बेरोजगार है और उसके बाद साल, 2 साल, 4 साल में एक एग्जाम करवा पाते हैं, 2 एग्जाम करवा पाते हैं, उनको भी अगर जिम्मेदारी से नहीं करवा पा रहे तो प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कुशासन पूरा जोर पे है। हम चाहते हैं, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिवार चाहता है कि निश्चित रूप से ये सरकार सही दिशा युवाओं को दे, अदरवाइज ये अपना सरकार छोड़ के भागे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प बहुत हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए अब वहां दिल्ली की शोभा बढ़ाए। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री योग्य चेहरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वे अब दिल्ली की तरफ रुख करें और वहां की शोभा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन की राजनीति नहीं करें क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इसके बावजूद इस पर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है और अलवर जिले के साथ तो राजस्थान सरकार ने बड़ा अन्याय किया हुआ है कि इस योजना में अलवर जिले में लगने वाले 17,000 हैंडपंप रद्द कर दिए हैं, जिससे जिले की जल समस्या और गहरा जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है और राजस्थान सरकार को इस पर जिले की जनता के साथ इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेवात क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी और गोकशी जैसे अपराधों पर राजस्थान सरकार अंकुश नहीं लगा सकी है। उन्होंने बताया कि इन दिनों गैंगस्टर अपराध करने वाले गिरोह राजस्थान में सक्रिय हैं, जिसके चलते आमजन परेशान है और राजस्थान सरकार इन पर अंकुश लगा पाने में असफल साबित हो रही है। और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो टेंडर निरस्त करके रद्द कर रही है, आप ठेकेदारों का पक्ष कर रहे हैं? शासक उन्होंने कहा, क्या कहा है मुझे पता नहीं है, आपके द्वारा जानकारी मिली है तो भी अगर सांसद महोदय ने यह कहा है तो मैं आपकी बात को अश्वनी जी मान लेता हूं। लेकिन अगर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, ठेकेदार पाइप कम लगा रहे हैं या कम आधा खुदाई कर रहे हैं तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है ना। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती ठेकेदारों के खिलाफ? अगर पाइप कम लगे हैं या पाइप हल्के लगे हैं या डिसक्वालिटी लगे हैं, वो ISI मार करने लगे हैं तो सरकार कार्रवाई करे। लेकिन टेंडर इस कारण कैंसिल कर देना ठेकेदार
ठीक काम नहीं कर रहे, ये कहां तक न्याय संगत है, ये कहां तक न्याय संगत है। और सांसद महोदय हम इस बात के लिए हैं, सांसद हो या विधायक हो, प्रधान हो या ज्ञानदेव आहूजा हो, हम इस बात के लिए हैं कि हम इसको दुरुस्त करें और अधिकारियों को और ठीक से कान खिंचाई हो, प्रांत की या जिले की एक्शन हो या चीफ इंजीनियर और मंत्री महोदय की, कि हमारे यहाँ की जो स्कीम है, हमारे यहाँ के जो हैंडपंप है, हमारे यहाँ का सिंगल फेज या थ्री फेज, इसके टेंडर कैंसिल ना हो। ये जो टेंडर निरस्त किए हैं, ये किस आधार पर किए हैं? आधार कुछ नहीं है, क्योंकि ये जरा सरकार से पता किया जाए, मैं भी पता करूंगा, आप भी मीडिया के थ्रू पता करें क्यों कैंसिल किए हैं। और सांसद महोदय का कहना ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई न्याय संगत नहीं है। ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा तो सरकार कार्रवाई करे, ठेकेदार चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, कोई भी ठेकेदार हो सरकार कार्रवाई करे। और ठेकेदार किसी के सगे नहीं होते, ठेकेदार अगर हैं तो पैसा कमाने के लिए है, पैसा बनाने के लिए है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये मेरी मांग है। क्यों नहीं करते ठेकेदारों के खिलाफ? अगर पाइप कम लगे हैं, पाइप हल्के लगे हैं, डिस पार्टी लग गए हैं, वो आई सही मार्क नहीं लगे हैं, तो सरकार कार्रवाई करे। लेकिन टेंडर इस कारण कैंसिल कर देना, ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे, ये कहां पर न्याय संगत है, ये कहां पर न्याय संगत है? और सांसद महोदय हम इस बात के लिए हैं, सांसद हो या विधायक हो, प्रधान हो या ज्ञानदेव आहूजा हो, हम इस बात के लिए हैं कि हम इसको दुरुस्त करें और अधिकारियों को और ठीक से कान खिंचाई हो, प्रांत की या जिले की एक्शन हो या चीफ इंजीनियर और मंत्री महोदय की, कि हमारे यहाँ की जो स्कीम है, हमारे यहाँ के जो हैंडपंप है, हमारे यहाँ का सिंगल फेज या थ्री फेज, इसके टेंडर कैंसिल ना हो। ये जो टेंडर निरस्त किए हैं, ये किस आधार पे किए हैं? आधार कुछ नहीं है, क्योंकि ये जरा सरकार से पता किया जाए, मैं भी पता करूंगा, आप भी मीडिया के थ्रू पता करें क्यों कैंसिल किए हैं। और सांसद महोदय का कहना ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई न्याय संगत नहीं है। ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा तो सरकार कार्रवाई करे, ठेकेदार चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, कोई भी ठेकेदार हो सरकार कार्रवाई करे। और ठेकेदार किसी के सगे नहीं होते, ठेकेदार अगर हैं तो पैसा कमाने के लिए है, पैसा बनाने के लिए है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये मेरी मांग है। मामला बहुत सेंसिटिव है और मैं सीधे सीधे बोलता आया हूं, वो शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, किस बात का शक्ति परीक्षण कर रही है? अलवर में पधारी शोक संवेदना के लिए माननीय जीतमल जी, पूर्व विधायक का स्वर्गवास हुआ, हमारे पंडित धर्मवीर जी की श्रीमती जी का स्वर्गवास हुआ, और जिलाध्यक्ष तत्कालीन हमारे निवर्तमान श्री संजय नोड़का के पिताश्री का, और उसमें भी शक्ति प्रदर्शन, उनको उनके चहेते चाहने वाले उनको कितना भड़काते हैं या कहते हैं, लेकिन शोक संवेदना होती है, हम भी जाते हैं कहीं, वहां शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी किसी शादी में आई, वहां भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, और उनका जन्मदिन है 8 मार्च को, और वो 4 मार्च को बना रही है सालासर मंदिर में, वहां भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर जिले का एक नुमाइंदा तय किया है, हालांकि पार्टी 98% एक तरफ है, 2% लोग पूर्व विधायक कुछ और 2-3 सरपंच वर्तमान विधायक, उनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिले से अलग अलग लोगों को लाने के लिए। यह शक्ति प्रदर्शन उनका व्यक्तिगत है, इसमें पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, और हमारी ओर से पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया ने 4 मार्च को उसी दिन पार्टी की ओर से और केंद्र की अनुमति से और प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक दल में भी और बाकी पार्टी के पदाधिकारी मतलब बैठ के भी यह तय किया है। तो उस दिन युवा मोर्चा की ओर से राजस्थान विधानसभा का घेरा होगा, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चल रही है, उद्देश्य दोनों का बराबर है। कांग्रेस की सरकार 2023 में उखाड़ फेंकनी है और भारतीय जनता पार्टी का पुनः सत्तारूढ़ होना, ये लगभग स्वाभाविक रूप से वातावरण बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस हटे, श्रीमान अशोक गहलोत साहब हटे, और शायद वसुंधरा जी भी यही चाहती है। फिर वो व्यक्तिगत रूप से जोर आजमाइश कर रही है, किस बात के लिए कर रही है, यह समझ से परे है।
और वो भी सालासर मंदिर में। कॉन्ट्रेक्टर मेरे नजदीक है, उन सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मुझे आश्चर्य है कि यहां का चुने हुए जनप्रतिनिधि और बाकी सब हमारी पार्टियों के नेता भी इस मुद्दे को, क्योंकि जल जो है वो अपने आप में बहुत सेंसिटिव मैटर है, जल सिंचाई का या जल पीने का, लेकिन 1700 टेंडर कैंसिल हो गए, ये बहुत दुखद और बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके बारे में आप जानकारी लें। एक विषय तो मेरा ये है, अब इस विषय में मुझे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं कहना। और दूसरा विषय यह है कि मेवात में अपराध बहुत है, जिसका मेरा मूल विषय रहता है। उन अपराधों में सिंथेटिक दूध, अवैध खनन, अब साइबर क्राइम, ओवर एक्सपेंड लूटना, बहुत सारे अपराधों में, और बड़ा अपराध गोकशी गो तस्करी है। अभी भरतपुर के दो में बंधुओं का दर्दनाक मौत हुई है, मैं उसकी आलोचना करता हूं, उसको मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन उनको किसने मारा किसने नहीं मारा यह खोज बुन की बजाय राजस्थान सरकार सीधा बजरंग दलियों को, विष्णु से आरोप लगा रही है। अब ये कोर्ट तय करेगा उनमें वो अपराधी हैं कि नहीं है। लेकिन मोटा मुद्दा ये है कि मैंने सीएम साहब को पत्र भी लिखा, कहा भी है कि अगर मेवात में गौ तस्करी और गोकशी बंद हो जाए तो ये जो दर्दनाक घटना है ये भी नहीं होंगी। इन दर्दनाक घटनाओं का हमें भी दुख है, लेकिन इसके बारे में सही बात सही एसआईटी जांच करे, एसओजी करे, आईबी करे या सीबीआई करे, ये सही जानकारी होनी चाहिए। अनावश्यक किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक राष्ट्रीय नेता है, ओबीसी महोदय, वो अनर्गल कुछ भी बोलते रहते हैं और उस अनर्गल बोलने वाले व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और एक जमात विशेष मुसलमानों को भड़काते हैं, मुसलमानों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, क्यों और कैसे, उसके पीछे संभव क्या है। बलात्कार तो होता है अनावश्यक कारण से, लेकिन हत्या होती है विशेष कारणों से। तो मेरा यह कहना है कि मेवात में पूछ रहे थे, रामगढ़ में जो अपराधियों पे कंट्रोल कर सकता है और जो लव जिहाद और जमीन जिहाद को कंट्रोल कर सकता है, जो इन आतंकवादियों में कंट्रोल कर सकता है, इन जो अपराध हो रहे हैं इन सबको रोक सकता है, ऐसे दमदार व्यक्ति को पार्टी ने टिकट देना चाहिए, जो भी कोई हो। पार्टी का, प्रांत का, केंद्र का सर्वे चल रहा है, इतना मैं आपके बीच में एक हिंट दे रहा हूं। और लगभग पार्टी की ऐसी दमदार उम्मीदवार को टिकट देगी कि जो इन सबका अराजक तत्वों जल जीवन मिशन केंद्र की ओर से माननीय मोदी जी का और जल शक्ति मंत्री के द्वारा जो 2500 करोड़ दिए गए हैं, राजस्थान में योजनाएं लगातार लागू हैं, पहले 700 अब 1700 अलवर के टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये मुझे जानकारी दी है ठेकेदारों ने और ये बिल्कुल तय है, ये अधिकृत है, आप इसके बारे में पता कर लें कि ऐसा अधिकारियों के यहां रहते हुए, ये चैन एससी चीफ इंजीनियर रहते हुए, और राजस्थान सरकार ने ऐसा अन्याय अलवर के साथ क्यों किया और यह अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि को क्यों ने बोला, कि चाहे कांग्रेस के हो चाहे हमारे हों, उनको बोलना चाहिए और इसके बारे में मीडिया इसको प्रमुखता से उठाए ताकि हमारी योजनाएं कैंसिल ना हो। उनको जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए और ये जनता शक्ति प्रदर्शन उनके भी हित में नहीं है, पार्टी के भी हित में नहीं है। सर कौन कौन हो सकते हैं विकल्प है? कौन कौन विकल्प हो सकते हैं और विकल्प क्या सर? विकल्प क्या हो सकते हैं वसुंधरा जी के नाम सीएम के लिए? बहुत है, जैसे माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव है, कमल का फूल हमारा निशान है और कई उम्मीदवार हैं उनको आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का नाम लेकर के और इस बारे में किसी को खुश करना और किसी को नाराज करना नहीं चाहता। लेकिन तय है मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं,
मुख्यमंत्री की योग्यता बहुत रोक रखते हैं। यहाँ वसुंधरा जी ने किसको जिम्मेदारी दी है भीड़ ले जाने की? वसुंधरा जी ने यहाँ किसको जिम्मेदारी दी है भीड़ ले जाने की? ये वो खुलासा कर दो अचीवर्स एकेडमी अलवर में बुधवार को प्रताप ऑडिटोरियम में फेयरवेल 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना से की गई। कार्यक्रम में कक्षा 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक तथा राजस्थानी गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी तथा 12वीं कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों ने रैंप वॉक किया, जिसमें से मिस्टर व मिस अचीवर्स, मिस्टर व मिस करियर पॉइंट तथा मिस्टर एंड मिस स्पार्क चुने गए। कार्यक्रम में बच्चों के लिए क्विज का आयोजन भी किया गया, जिसमें विनर्स को इनाम देकर उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंत में डायरेक्टर अमित भार्गव ने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संपूर्ण अचीवर्स परिवार के प्रयासों को सराहा। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी ने अपना घर आश्रम महिला आश्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया, जिसमें करीब 90 महिलाओं का निशुल्क जांच एवं परामर्श प्रदान किया गया। इस शिविर में डॉक्टर एससी मित्तल, डॉक्टर सरोज गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र जैन एवं डॉक्टर कुमुद गुप्ता एवं गिरीश गुप्ता, शशांक झलानी ने निःशुल्क सेवा प्रदान की। महिलाओं में ज्यादातर खून की कमी, बीपी और डायबिटीज आदि पाई गई, जिसकी जांच डॉक्टर बी लाल पैथ लैब ने निःशुल्क प्रदान की। कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट प्रमिला गुप्ता ने किया। फेडरल मुगल गोइडजे इंडिया लिमिटेड एवं भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहतपुर को करीब 150 बच्चों को बैठने के लिए टेबल एवं चेयर्स, समस्त कक्षाओं के लिए मैट एवं स्टाफ के आवश्यकतानुसार फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया। प्रदीप भदौरिया, हेड एचआर, ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है तथा यह किसी भी देश अथवा समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए संस्था कई वर्षों से विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाओं के सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है तथा पूर्व में विद्यालय बिल्डिंग की मेंटेनेंस, पेंटिंग एवं अन्य आवश्यक कार्यों एवं जरूरत को पूरा करवा चुका है तथा भविष्य में भी हर संभव सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। डॉक्टर राकेश कुमार, संयंत्र प्रमुख फेडरल मुगल, ने शिक्षा के क्षेत्र में संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हमारा संस्थान प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए अपने स्तर पर लगातार प्रयासरत है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। यह वह प्रकाश है जो बालक की मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन कर उसे आदर्श, संस्कारवान तथा संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करती है। बालक के उज्जवल शैक्षणिक भविष्य के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा की विशेष भूमिका होती है तथा यह ही मानव मात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जसवीर सिंह, मानद सचिव बीएमएनए, बीएमए एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि बीएमए अपने उद्योगपति साथियों के साथ भिवाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावकों से भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में यथासंभव सहयोग देने की अपील करते हुए कहा कि हम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी का निर्वहन तो शिक्षकों एवं अभिभावकों को ही करना होगा। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं अतिथियों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापिका डॉक्टर अमृता विजय, रामवीर यादव, वरिष्ठ अध्यापक नवीन चौधरी पीटीआई अजीत, सदस्य विद्यालय डेवलपमेंट समिति अनुज कौशिक, लोकेश्वर जोशी, सिद्धार्थ मोहन गौतम, आशा रानी, गोविंद शर्मा एवं अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी
चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सिविल फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, NEET, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door convince facility. Aap CMRS aaye aur hamari vyavasthaon ka avlokan karein. CMRS Institute, GLG Square, opposite Harish Hospital, near Jill Circle, Alwar. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस ने गोकशी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सनद रहे तिजारा क्षेत्र के जरोली गांव में महाशिवरात्रि के दिन गोकशी का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया था। 1 मार्च को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का समय दिया गया था। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 1 आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया है। शेष आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, जिस पर व्यापार महासंघ के सभी पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और बजरंग दल के जिला मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई पर सहमति जताई। थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की। इस मौके पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हबली गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डब्बू जैन, रामचंद्र सैनी, गुलशन गुप्ता, सचिन जैन, राम सिंह यादव, MPS अनिल, पूर्व सरपंच भिंडूसी बने सिंह, मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा प्रबुद्ध उपस्थित रहे। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरिस्का और सरिस्का बफर में होने वाली सफारी के लिए शहर में बुकिंग केंद्र खोलने की पुरजोर मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि सरिस्का से अलवर शहर की दूरी 35 किलोमीटर है, जिससे शहर के लोगों का सरिस्का से सीधा जुड़ाव नहीं है। सरिस्का व सरिस्का बफर के लिए सफारी के लिए बुकिंग केंद्र की अलवर शहर में शुरुआत होने से अलवर के होटल व्यापार और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे आमजन का वन और वन्य जीवों से भी जुड़ाव बढ़ेगा। अलवर शहर के पर्यटन स्थलों जैसमंद, सिल्ली सेठ, राजा भर्तृहरि पैनोरमा, हसन खां मेवाती पैनोरमा, मूसी महारानी की छतरी, सागर जलाशय, म्यूजियम आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। इन गतिविधियों से शहर में सरिस्का और वन्य जीवों का महत्व बढ़ेगा और जागरूकता आएगी। इसके अलावा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए शहर में बोर्ड लगाए जाएं। प्रत्येक पर्यटन स्थल पर शहर के अन्य पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए जागरूक बोर्ड भी लगने चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में विवेक जायसवाल, शशांक चालानी, सूरज राजपूत, मुद्दिर डाटा आदि शामिल रहे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लोदपुरी गांव में गीदड़ ने पिता पुत्र सहित 10 वर्षीय बालक पर हमला कर दिया। उसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने गीदड़ से पिता और पुत्र को बचाया। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लाठियों के पीट पीट कर गीदड़ को मार दिया। अस्पताल में इलाज कराने आए घायल हारून ने बताया कि उसके पिता शमसुद्दीन खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान जंगल से एक गीदड़ आया। उसने शमसुद्दीन के दोनों हाथों पर हमला कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद
बाद हारून जैसे ही अपने पिता को बचाने के लिए गया तो गीदड़ ने उसके अंगूठे को चबा लिया और उसके बाद उसने गीदड़ को भगाने का भी प्रयास किया और गीदड़ मौके से भाग गया। लेकिन स्कूल से अपने घर लौट रहे 10 वर्षीय बालक पर गीदड़ ने रास्ते में हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही बालक चिल्लाया तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और ग्रामीणों ने मिलकर लाठी से गीदड़ पर हमला कर उसको मार दिया। ग्रामीण पिता पुत्र सहित बालक को लेकर लहूलुहान अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां उनका ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। मेरा पिताजी खेत में पानी मोड़ रहा था और मैं उसके लिए चाय लेके गया था खेत में। उसके बाद सर एक पागल गीदड़ था और वह पिताजी के मतलब दोनों हाथों में लगा हुआ था, वो चबा रहा था, हाथ चबा लिया उसका दोनों हाथों, पूरी तरह से खा गया था पिताजी को। मैं वहां मौके पे पहुंच गया, मैंने पहुंचते के सामने मतलब दो चार आदमी और इकट्ठे हो गए वहां पे। उस टाइम तो वो वहां से भाग गया और बाद में हमने उसको ढूंढ के वहां मार दिया था। इसके अलावा सर वो एक लड़का और था, उसका नाम है, वो क्या नाम, फयान नाम है उसका, वो भी हमारे साथ में ही है। उसको भी वहीं पे खाया था, मतलब एक दो किला दूर खाया था उसको। उसकी कहाँ का था? उसके सर दोनों पैर खाए थे, मतलब हाथ में भी काफी खा रखा था। तो कितने टोटल कितने लोगों को चोट लगी? सर पिताजी है मेरा और मैं, हारून मेरा नाम है सर, मेरे को खाया था अंगूठा और वो लड़का एक बच्चा 10-11 साल का बच्चा, उसको सर मालपुर के पास लोधपुरी गाँव पड़ता है, तहसील रामगढ़ है। दोस्त की छाती में चाकू मारकर उसकी जेब से 8,000 रूपए नगद व बाइक लूट ले जाने वाले आरोपी को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि गत रविवार को भिवाड़ी के रामपुर मुंडाना के रहने वाले सोनू तिवारी पुत्र जयराम तिवारी ने मामला दर्ज कराया था कि उसका साला कृष्ण पांडे शनिवार रात करीब 10 बजे हरियाणा अंकेड़ा में उसकी माता की तबीयत खराब होने पर उसका हालचाल पूछने के लिए आ रहा था। रास्ते में मुंडाना मेव में शाहरुख पुत्र रजाक ने उसके साले को रुकवाया और उसकी छाती में चाकू से वार कर दिया। साथ ही कृष्ण पांडे की जेब में रखे 8,000 रूपए नगद व उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मौके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और टीम का गठन कर बुधवार को शाहरुख पुत्र रजाक मेव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से लूटी हुई रकम की बरामदगी के प्रयास कर रही है। खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।